लोगों की तवज्जो चाहूँगा, जरा सी तवज्जो चाहूँगा। आपने जो प्रेजेंटेशन दी है माशाल्लाह से आप लोगों के लिए तो ताजा होने की रही है, नहीं बजाएंगे आपको इसका मतलब ये आप लोगों की प्रेजेंटेशन है। अच्छा मैं थोड़ी सी बात यहाँ पर आप लोगों से करना चाहूँगा कि आप लोग जो है इस वक्त कई तरह के ट्रेनिंग्स आने वाले दिनों में आप लोगों के पास आ रही है, जैसा कि आने वाले दिनों में इसी तरह असिस्टेंट की एक ट्रेनिंग और आएगी जो कि 3 से 5 दिन की भी हो सकती है, वो है सेस रोफ की ट्रेनिंग। सेस रोफ कितने लोगों ने सुना है? सेस रोफ नहीं, सेस रोफ SESLO है जो कि सिर्फ एजुकेशन स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स फ्रेमवर्क। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि SLO स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स कितने लोगों ने सुना है? अच्छा स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स जो है कितने लोगों ने टेक्स्ट बुक में और दीगर किताबों में देखा है? SLOs लिखे होते हैं, कितने लोगों ने देखे हैं? सब लोगों ने देखे हैं। इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो है एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट चाहता है कि आप लोगों को स्टूडेंट्स की जो लर्निंग होती है इसका आउटकम जो है वो चेक करना है, असिस्ट करना है कि आया वो जो आप लोगों ने IELTS SLOs सेट किए थे वो अचीव हुए या नहीं हुए। ये जो आज की जो एक्टिविटी हुई है इसका पूरा जो मकसद है वो इसी के तहत इसके दरमियान ढूंढना है कि हम लोग जो आइटम डेवलपमेंट करते हैं, जो सवालात करते हैं, जो टेस्ट बच्चों को पढ़ाते हैं वो जो हो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी के तहत हो। ब्लूम्स के जो 3 डोमेन हैं शायद आप लोगों को याद होंगे, जो कि पहला डोमेन वो बताएगा कॉग्निटिव डोमेन का, दूसरा अफेक्टिव डोमेन का और तीसरा जो है